हेमंत सोरेन सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी रिटायर IAS डॉमेरी नीलिमा केरकेट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में गुरुवार को कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। केरकेट्टा JPSC की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉमेरी नीलिमा केरकेट्टा की जन्म तिथि 22 अगस्त 1962 है। ऐसी स्थिति में डॉ केरकेट्टा अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक JPSC अध्यक्ष के रूप में पद धारण करेंगी, यानी वह 2 वर्षाएं तक JPSC की अध्यक्ष रहेंगी। 1994 बैच की IAS अधिकारी रही डॉमेरी नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर में अपनी सेवा दे चुकी है। वह महाराष्ट्र सरकार में लोक स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव और महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल में CEO समेत अन्य महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुकी हैं। डॉ केरकेट्टा 5 साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थी। उनके पिता डॉ आर केरकेट्टा बिरसा कृषि विद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं और वे जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।